नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजीआर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की। तो देखिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसकी पूरी की पूरी डिटेल, कैसे क्या एडमिशन होता है, कौन कौन से कोर्सेस हैं। और भाई, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है एफटीआई के अलावा। जैसे कि मैंने बताया ना कि एफटीआई में अगर एडमिशन नहीं होता है तो आप एनजीआर में ले सकते हो, रोहतक में जो एक इंस्टीट्यूट है स्टेट इंस्टीट्यूट वो, उसके बाद फिर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इधर साउथ में एक और है, उसके अलावा फिर एक भूपेंद्र हजारिका जो एक इंस्टीट्यूट है उस पर मैंने ये सीरीज़ बनाई है। तो ये सीरीज़ के पूरे वीडियोज़ देखना, इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जा करके देख लेना। ये जितना भी इंस्टीट्यूट है ना उनकी फिल्म स्कूल्स के नाम से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो सारे वीडियोस देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि एफटीए के अलावा ये भी आपके पास ऑप्शन है, इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसके हम बात करें तो इसका एक और नाम है एडीआर फिल्म इंस्टीट्यूट, और इसका जो फुल नेम है एमजीआर गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविज़न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये चेन्नई में पड़ता है। इसके प्रेसिडेंट जो अभी हाल फिलहाल में है वो राजेश हैं। उसके अलावा फिर ये इंडिया का पहला या दूसरा इंस्टीट्यूट है। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था एमजीआर गवर्नमेंट फिल्म इंस्टीट्यूट। उसके अलावा इसमें जो कोर्सेस हैं, कोर्सेस यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी मिलेगा और डिजिटल इंटरमीडिएट मिलेगा, उसके बाद फिर आइडियोग्राफी मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, फिल्म एडिटिंग मिलेगा और एनिमेशन आपको ये एक कोर्स मिलेगा। तो ऐसे करके ये 6 कोर्सेस आपको इस इंस्टीट्यूट में मिलते हैं। उसके अलावा इसमें और भी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसको देखिए, मैंने आपको ये तो बता ही दिया, दो नाम है इसके, एडीआर फिल्म इंस्टीट्यूट और एमजीआर। उसके अलावा इसमें से कौन कौन लोग जो है निकले हैं पढ़कर के, नोटेबल एनिमली मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन है। KS प्रसाद सिनेमेटोग्राफर जो हैं वो यहीं से पढ़कर निकले हैं 1968 के समथिंग, हाँ 1968 से पहले के ही निकले हुए हैं। और मनकादा रवि वर्मा और अशोक कुमार ये यहीं से निकले हुए हैं। और ये बहुत लंबी लिस्ट है, अगर आप विकिपीडिया पे आप सर्च करोगे ना इस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो यहाँ पर इनके जो स्टूडेंट रहे हैं उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। 2019 में अभी रिसेंट का मैं आपको बताता हूँ कि कौन निकले हैं यहाँ से। आपको यहाँ पर है ना, इसकी जो वेबसाइट है ना, वो वेबसाइट तो भाई इतनी बेकार हो रही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो वेबसाइट तो बहुत ही बेकार होती है। तो वेबसाइट आप थोड़ा सा चेक, इनके वहीं पर जाकर के आप एडमिशन लीजिए, साउथ वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। और इसके अलावा एक और है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वो भी अच्छा है। उसके अलावा 2019 में यहाँ पर सूर्य प्रधानम एडिटर जो है वो यहीं से पढ़कर निकले हैं। 2016 में कबीन राज सिनेमेटोग्राफर यहीं से निकले, और जे धर्मेंद्र यहाँ से निकले। 2014 में गोपी कृष्णा, और इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर मैं वीडियो इस पर पूरी लिस्ट बताऊँ ना तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये सबसे टॉप एफटीआई के अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट, तो वो है एमजीआर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जिसकी इतनी अच्छी एजुकेशन है और इतने अच्छे लोग दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री को, खासकर साउथ की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ये टेक्निकल लोग। और एक्टर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक्टर यहाँ पर कौन कौन निकले हैं। श्रीहरी एक्टर यहीं से निकले हैं, श्रीहरी के बाद में सारा बानन यहाँ से निकले हैं, और कुमार बंगरपा, और रविंद्र नाथन, आनंद राज, शिव राजकुमार, उसके बाद में फिर अर्चना, रघु वारन और श्रीनिवासन और नस्सर, चिरंजीवी यहीं से निकले हैं, सुधाकर, चिरंजीवी तो बहुत बड़े नाम हैं यार, और रजनीकांत भी यहीं से 1973 में पढ़कर निकले हैं। उसके बाद में जी वी नारायण राव ये भी यहीं से निकले हुए हैं। तो ये बहुत ही लंबी लिस्ट है, अगर आप विकिपीडिया पे जाओगे ना एमजीआर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के नोटेबल एल्यूमिनी सर्च कर देना, तो वहाँ पर इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। बाकी इनकी वेबसाइट पे जाकर आप चेक करोगे तो वेबसाइट तो बहुत घटिया है। आप इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या फिर वहाँ कॉलेज में जाइए, वहाँ से आप उनको डायरेक्ट वहाँ एडमिशन प्रोसेस जो भी है, वैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होता ही होगा मेरे हिसाब से, तो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, धन्यवाद।